हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएल लिखक में। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है जम्मू और श्रीनगर के लोगों के लिए, क्योंकि आप जैसे सब जानते हैं कि जम्मू और श्रीनगर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर जो है अब आपको लर्नर लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका जितना भी काम है वो घर से ही हो जाएगा। तो आज मैं एक कम्प्लीट वीडियो इसमें देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं दो वीडियोज डाले थे, उसमें थोड़ा ब्रेक करके वीडियो डाला था, तो जिसमें लोगों को परेशानी आ रही है, बीच में स्टेप्स लोगों को समझ में नहीं आ रहे। लेकिन अब जो सीरीज देने वाला हूँ मैं, हो सकता है एक दो या तीन वीडियोस में इसके ऊपर डाल दूँ, तो ये सारी की सारी वीडियो जो होगी अब इसका आपका कम्प्लीट सोल्यूशन दे देंगी। टाइम लग सकता है इसमें, एक हफ्ते तक हो सकता है, दो दो दिन का या 3 दिन का गैप डाल के मैं जो है आपको वीडियो दूँ। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको मैं कम्प्लीट वीडियो फुल ट्यूटोरियल दे दूंगा जिसमें आप घर बैठ के अपना क्या कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अपने चैनल को हमारे बीएल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपका अपना चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे जम्मू और जो कश्मीर के लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। तो जम्मू कश्मीर को लेकर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, डिजिटल सर्विसेज को लेकर हम बहुत सारी वीडियोज बनाते रहते हैं। तो जो दोस्त ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं, पसंद करते हैं ऑनलाइन वर्क करना और अपना घर बैठ के काम करना चाहते हैं, वो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंश्योरेंस से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर परिवहन की साइट पे आ जाएंगे, जहाँ इसको शॉर्ट में आपकी नेक्स्ट साइट खुलती है। तो यहाँ पर अगर परिवहन की साइट पर आप आते हो तो ऑनलाइन सर्विस पर आपके आके आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर आ जाना है और यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये नई साइट पे लेके आएगा जिसका URL यहाँ पे आप देख सकते हैं, sarathi.parivahan.gov.in। तो इस साइट को भी आप डायरेक्ट भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो इस साइट का भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, तो आप यहाँ से अपनी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर चुन लेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने एक जो है यहाँ पर एक मीन्स की एक नोटिफिकेशन पॉपअप आता है। तो यहाँ पर इश्यूएंस ऑफ लर्नर लाइसेंस कंटेक्टलेस EKYC सर्विस, मीन्स यानी कि आपको कंटेक्टलेस है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आरटीओ ऑफिस, तो आप यहाँ से सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इश्यूएंस ऑफ लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है वो खुल कर आ जाता है। यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने खुल कर आया था, जो इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें, तो मैक्सिमम लोगों के चांसेस हैं कि उनमें जो है जनरल ही रहने वाली है, बाकी अपने सुविधा अनुसार जो आपको लगे कि आपसे बिलोंग करती है आप उसे भर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर क्लिक करें। तो अगर कोई आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो यहाँ पर क्लिक करें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो इस केस में जो मैं भर रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश केस है, इसके पास कोई भी लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैंने इसमें पहले वाला आइकन रहने दिया है। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आरटीओ कौन सा है, तो जम्मू है, तो जम्मू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का पेज जो है नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर एक आप कोई भी अपने आस पास का जो एक सेंटर है, केंद्र है, उसको सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मांग रहा है, और एक स्टेप आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन, और दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, यहीं से आपका डिसाइड होगा कि आप जो है कंटेक्ट लेस के लिए जा रहे हो कि कंटेक्ट के लिए जा रहे हो, यानी कि अगर आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना है तो आपको यहाँ पर सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। और ये वही लोग कर पाएंगे दोस्तों जिनके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, जिनके मोबाइल में क्योंकि उसके ऊपर एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और तो जिनके आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है, पहले वो अपना मोबाइल लिंक करवा लें, उसके बाद इस एप्लीकेशन को वो आगे प्रोसेस करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए यहाँ पर पॉपअप सीधा आ जाता है कि इफ यूअर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक्ड एंड अपडेटेड विद आधार रिकॉर्ड। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या कुछ कर लिया है या जो भी है, उस मोबाइल नंबर को आप अपडेट करवा लीजिए पहले, उसके बाद जो है इसको प्रोसीड करिए। हम ओके कर लेते हैं, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिंक है। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार नंबर भी दे सकते हैं और वर्चुअल आईडी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार नंबर देते हैं, अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरेट OTP कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी डाल लेंगे। ओटीपी डालने के बाद हमें इन तीनों को जो है वो चेक मार्क लगा देने हैं इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे और फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं आधार नंबर डाल के ओटीपी ले लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे करके तो दिखा यहाँ पर आप देख देता सकते हूँ। हैं आधार नंबर हमने डाल लिया, और यहाँ पर जो इसका रजिस्टर मोबाइल नंबर था ये लास्ट के डिजिट करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर ओटीपी आ गया, ओटीपी हमने डाल लिया है। और यहाँ पे आप इसको हम ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। जैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे यहाँ पर जो है आपका फोटो आ जाता है, यहाँ पर नेम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, और डेट ऑफ बर्थ करके आ जाती है, और बाकी भी आपका जो एड्रेस आधार के साथ है वो सारा का सारा आ जाता है। इसको ऐसे ही रहने दें, कुछ भी चेंज इसमें ना करें, और इसको प्रोसीड पे क्लिक कर लें। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने स्टेट चूज करके आ जाएगी। आपको यहाँ पे अपना आरटीओ जम्मू सेलेक्ट कर लेना है, और बाकी सारा इसका आपको लॉक रहेगा क्योंकि ये आपने जो है आधार से भरा हुआ है। और जो जो आपको अगर कुछ आप यहाँ पे चेंज करनी है क्वालिफिकेशन का है, तो आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन का आप कर सकते हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर ब्लड ग्रुप आप जानते हैं तो डालिए, नहीं तो रहने लीजिए। और यहाँ पर आने के बाद आप अपना एक बार एड्रेस चेक कर लीजिएगा, आपका पूरा एड्रेस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू आधार होगा, तो अपने आप ही यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप स्टे का अपना लिखना चाहते हो कितनी देर से आप रह रहे हो तो लिख सकते हो, वरना कोई कंपल्सरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो भी आप मोड बनाना चाहते हैं जिस गाड़ी का, तो आप उसका बना सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर जैसे जो भी है, तो वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको बनाने के बाद यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ होगी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर का करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये इधर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आप अगर इन केस आपका जो होता है कोई एक्सीडेंटल केस में डेथ हो जाती है, तो आप अपने ऑर्गन्स को जो डिनोट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो यस कर दो, नहीं तो नो पे क्लिक कर दो। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको देख लेना है। और यहाँ पर दूसरी डिक्लेरेशन है कि जो भी पर्टिकुलर्स ऊपर दिए गए हैं जिनमें सब सही है, इनमें से कुछ भी मैंने फ्रॉड नहीं किया है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरी है, सब सही है, तो ये भी आप यहाँ पर टिक रहने दें, इसको टिक ही रहने देना है। तो अगर आपने ड्राइविंग स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग ली हुई है तो यहाँ पर टिक कर दें। टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा स्कूल की क्लास नेम वगैरह जो भी करना है, और अगर नहीं किया है तो आप इसको चेक मार्क हटा दें, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। चलिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सबमिट करके बता देता हूँ। अब जहाँ पे हमारा पूरा एप्लीकेशन रिव्यू हो चुका है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सब डिस्ट्रिक्ट नहीं चुना है, तो सब डिस्ट्रिक्ट जरूरी है, यहाँ पे चुनना तो हम जम्मू कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद से हम सबमिट करते हैं इसको सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर भी आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर इनको यस और नो करना है। तो ये मैक्सिमम तो यहाँ सभी से आपके पहले नो ही आने वाले हैं, तो इन सबको नो करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई अगर करके इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये क्लोज हो इसको यहाँ जाता से है। क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, इसको हम सबमिट करेंगे। तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, अब योर एप्लीकेशन जो है ये एक्सेप्टेड हो गई है, और जो भी है आगे लेटर स्टेज में आपको क्या करना है बाद में देखेंगे। ओके कर दें इसको, और यहाँ से ओके कर दें। और यहाँ और यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो अब सबमिट हो चुका है, और आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना करिए, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।